फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएबीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारे चैप्टर का क्या नाम है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होगा कि हम एक चीज़ का मोशन, मतलब एक कोई भी पार्टिकल है उसका मोशन दूसरे पार्टिकल के मोशन के रिस्पेक्ट में बताएं, तो उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। अब सिमिलर तरीके से, जैसे मुझे कोई भी, मान लो इस तरीके से हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, इनकी वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेटिव हम किस तरीके से बता सकते हैं। जैसे एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे के अबाउट में अगर हम निकालें तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मेरी एक वेलोसिटी तो इधर जा रही है वो 30 है, इधर जा रही है वो 20 है, तो अगर इसके अबाउट में हम इसको देखेंगे तो इस तरीके से ये होंगी, ये तो उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जो उसकी टोटल अगर हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो वो क्या हो जाएगी, 30 + 20, ये आ जाएगा 50 इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर ये इधर जा रही है 30, ये इधर जा रही है, तो इसके रिलेटिव में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी क्या होगी, 30 - 20 मतलब कि 10 होगी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये मत सोचना कि अपोजिट है तो माइनस होगा, ऐसे नहीं होगा। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर ये इस तरीके से जा रही हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये ऐड हो जाएंगे, अगर इस तरीके से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो आपकी बुक का लास्ट, इस जो चैप्टर का लास्ट एग्जांपल है ना, उसमें यही वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा कि अगर वो इस तरीके से जा रहे हैं तो ये हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और इस तरीके से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये होता है हमारा रिलेटिव मोशन, जिसमें हम एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी का मोशन हम रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है मेरा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे रिलेटिव मोशन पढ़ा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जैसे मेरे पास कोई भी इस तरीके से एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन ओ है, ठीक। अब हम पोजीशन वेक्टर्स बना लेते हैं, जैसे ये हमारा पी पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। डायरेक्शन हमने इस तरीके से ले रखी है, ठीक। अब जो ये वाली वैल्यू होगी वो हमारी इस तरीके से डायरेक्शन में आएगी, राइट, तो हमारा ये हो गया। अब जैसे हमने एक्सिस क्या ले रखी थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हमने कोई भी क्या लिया, दो पोजीशन वेक्टर ले लिए इस तरीके से, ओ पी वैक्टर, ओ क्यू वैक्टर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर हो गए पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, कोई भी टाइम टी के ऊपर, जहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, ओ एक्स और ओ वाई, और जो ओरिजन है ओ है। अगर हम ओरिजन को शिफ्ट कर दें क्यू पॉइंट पे, तो जो हमारी एक्सिस हो जाएंगी वो इस तरीके से बन जाएंगी, नई एक्सिस ये हो गया हमारा, जैसे एक्स वन, ये हो गया वाई वन, तो यहाँ पे हमने ये ऐसे सीधी बना लेंगे, थोड़ी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजन है ना, जो वो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब जो हमारा नया ओरिजन है वो क्या हो गया, क्यू, ये हमारा क्या, न्यू ओरिजन, और जो क्यू एक्स वन है और क्यू वाई वन है वो हमारी क्या हो गई, न्यू एक्सिस हो गई, जो कि एक्स वन वाली इसके पैरेलल है और वाई वन वाली इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो आप वो सब वर्डिंग में लिख देंगे जो मैंने अभी बताया डायग्राम में। देखो, जो ये वैल्यू होगी ओपी, ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा ना, तो ये हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू पी, इसके इक्वल हो जाएगा, कि जो ये ओ पी वैक्टर है वो ओ क्यू प्लस क्यू पी के ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग, की अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो इनको ऐड करके इसके इक्वल हम लिख देते हैं, तो जो हमारा ओ पी है वो ओ क्यू प्लस क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्यू पी की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, ओ पी माइनस ऑफ ओ क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस तरीके से हो गया, क्यू पी हमारा क्या हो गया, यहाँ से ओ पी माइनस ऑफ ओ क्यू, जो ये टर्म है ना वो क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू क्यू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीछे वाला पॉइंट रिलेटिव टू क्यू वो क्या होगा, ओ पी माइनस ऑफ ओ क्यू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू क्यू, ये हमारी क्या होगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गई, पी की डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू क्यू हमारी ये आई है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। बाकी इसका इतना यूज़ नहीं है, तो ये बस ये था कि इसमें ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ में तो उनको तो पता ही होगा ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, बीए और जो बीए वाले बच्चे हैं उनको इस तरीके से करना है कि एक्स एक्सिस थी हमारे पास, वाई एक्सिस थी, ओरिजिन था,
वेक्टर्स ले लिए, फिर हमने क्या किया एक नया ओरिजिन शिफ्ट करा दिया इस तरीके से कि जो इसके एक्सेस है वो न्यू एक्सेस हमने ये मान लिया, ओरिजिन भी न्यू हो गया। ये सब आप वर्डिंग में लिखेंगे जैसे बुक में लिख रखा है वैसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जो ये ओ पी वैक्टर हो किसके इक्वल होता है ओ क्यू प्लस क्यू पी के, इस तरीके से हमने ये वैल्यू लिख लिया। उसके बाद ये क्यू पी की वैल्यू निकाले, ये क्या होगा पी रिलेटिव टू क्यू, पीछे वाली चीज़ रिलेटिव टू आगे वाली चीज़ के, पी रिलेटिव टू पॉइंट क्यू, तो ये हमारा क्या हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो हमारे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी रिलेटिव टू क्यू वो क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी तक की माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्यू तक की, तो ये आप इस तरीके से लिख लेना, ओके। उसके बाद सिमिलर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, उसमें क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, जिसमें पोजीशन का चेंज होगा। ये तो पॉइंट थे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पॉइंट के बीच में जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव हमारी जो पॉइंट के बीच में एक दूसरे के रिलेटिव होंगे वो होंगे। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात आती है, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा चेंज किसका होता है हमारा, यहाँ पर पोजिशन का चेंज होगा, राइट। तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो वो हमारी क्या हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। बुक में नॉर्मल डेफिनेशन लिखी रखी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने दो पार्टिकल ले लेने हैं इसके अंदर पी और क्यू जो कि मूव कर रहे हैं, पी और क्यू दो पार्टिकल ले लिए जो कि मूव कर रहे हैं यू और वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। कोई भी जो पार्टिकल है हमारा ये पी वाला वो ए बी मतलब यू के साथ इस तरीके से चल रहा है, और कोई अनदर जो हमारी वी वेलोसिटी के साथ जो क्यू पार्टिकल हो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो हमने इसके पैरेलल में कोई अनदर इसके पैरेलल में इस तरीके से बनाया ताकि हमारे जो ये फिगर है वो कम्प्लीट हो जाए, तो ये भी वी होगी क्योंकि इस तरीके से हमने इसके पैरेलल ही बनाया, ये ई पॉइंट मान लिया कोई भी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, इस तरीके से हो गया तो इसकी मोशन हमने ये ऐसे ले ली, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें जो इसके अंदर क्या निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है इसके अंदर भी हमें, डिटरमिनेशन करनी है रिलेटिव वेलोसिटी की ही। अभी तक मैंने क्या बताया है कि हमारे पास पी और क्यू कोई भी पॉइंट है जो कि मूव करे विद वेलोसिटी यू एंड वी, ओके। उसके बाद हमने क्या बोला है कि हमारी ये वेलोसिटी यू हो गई, ये भी होगी इस तरीके से, और इसके पैरेलल एक चीज़ ले ली हमने इस तरीके से, मतलब इसी के पैरेलल जो हमने ये लाइन ले ली इस तरीके से, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट पी का और क्यू का इन टाइम टी वो क्या होगा ए बी और जो हमारा सी डी और या फिर हम बोल सकते हैं ए ई, ठीक। क्योंकि ए ई है वो इक्वल और पैरेलल है किसके सी डी के, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं ये सी डी है हमारा, ओके। उसके बाद मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, मुझे निकालनी है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरीके से निकालेंगे पी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू क्यू, जैसे मैंने पीछे नहीं बताया था ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दो, सिमिलर यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, ए ई प्लस ई बी, ये भी है ए ई प्लस ई बी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ये तो हमारे डायरेक्शन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे और ये इसके इक्वल आ जाएगा ए बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब जो ए ई है वो क्या है मेरा वी है, वी है, और ये हो गया ई बी, और जो मेरा ए बी है वो मेरा क्या है यू है, तो जो मेरी ई बी की वैल्यू आ गई वो क्या होगी यू माइनस वी, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये जो वैल्यू ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको प्लस में माइनस ऑफ वी। अब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो हमारी होती है एक्चुअल वेलोसिटी, और जो विद माइनस साइन होती है इसको हम बोलते हैं रिवर्स वेलोसिटी, और हमने निकाली क्या रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव होगी ना इन दोनों के। तो हमें यहाँ से फॉर्मूला पता चला कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना वो क्या होती है एक्चुअल वेलोसिटी प्लस रिवर्स वेलोसिटी, या तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ इसकी एक्चुअल, या फिर हम लिख सकते हैं प्लस में रिवर्स वेलोसिटी। रिवर्स वेलोसिटी ज़्यादा लिखना सही रहेगा कि जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ गई एक्चुअल वेलोसिटी प्लस रिवर्स वेलोसिटी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ये फॉर्मूला मेन है इस पूरे चैप्टर का। रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई एक्चुअल वेलोसिटी प्लस में रिवर्स वेलोसिटी, ठीक है। और जो अगर यहाँ से मैं एक्चुअल वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या, अगर रिलेटिव वेलोसिटी माइनस रिवर्स वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा फॉर्मूला।
अब देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे उसमें क्या बताया था मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज इन पोजीशन वाला, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी मेरा पीछे क्या आया था, जो एक्चुअल वेलोसिटी थी ना, सॉरी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो एक्चुअल वेलोसिटी प्लस हमारा क्या आया था, रिवर्स वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी एक मिनट के लिए वी मान लो, तो यू माइनस वी इस तरीके से हमारा आ गया था। तो अगर हम इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें, तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी माइनस ऑफ डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगी एक्स की एक्सेलरेशन। ठीक है, जो बीच में एक्सप्रेशन बच गया ना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, वो अलग से आपका होगा। ठीक है, उसमें फॉर्मूलाज आएंगे जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर वो वाले फॉर्मूलाज यूज़ नहीं होते हैं, वो हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8। देखो एग्जांपल नंबर 8 क्या है कि अ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विद वेलोसिटी 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है ट्रेन के अंदर जिसकी वेलोसिटी क्या है, 19 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक। ऑब्जर्व दैट अनदर ट्रेन, उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है ट्रेन के अंदर जिसकी ट्रेन की वेलोसिटी दे रखी है 19 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक। उसने ऑब्जर्व किया कि जो दूसरी ट्रेन है ना वो 180 मीटर लॉन्ग है और मूविंग कॉन्स्टेंटली विद 4 सेकेंड टू पास बाई, मतलब उसके साइड में से निकलेगी वो 180 मीटर तो लंबी है रेल और वो 4 सेकेंड के बाद वहाँ से निकल जाएगी। बट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पासिंग ट्रेन, तो उस जो पासिंग ट्रेन की ये इस तरीके से ट्रैक्स हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रेन है वो आ रही है इसकी साइड, मतलब ये इन्होंने नहीं बताया कि ट्रेन ऐसे जा रही है, मतलब ये वाली ट्रेन तो हमारी ऐसी है मान लो, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो ट्रेन है वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। तो केस तो दो बनेंगे, एक बार तो ट्रेन हम बोलेंगे कि इसके पैरेलल इसके साइड से ऐसे गुजरेगी और एक बार हम ये लेंगे कि वो उसके सामने से आ रही है। ठीक है, केस तो दो बनेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक के तो इन्होंने वेलोसिटी दे दी, दूसरी की वेलोसिटी हमें खुद से निकालनी है। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर मीटर दे रखा है और सेकेंड दे रखा है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 19 किलोमीटर पर आर दे रखा है। किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज होगा, इंटू में 1000 करके, और आर से मिनट में हमारा डिवाइड में 60, और फिर मिनट से सेकंड में एक और 60, तो 3600 हो गया हमारे इस तरीके से। तो देखो वेलोसिटी सबसे पहले हम ले रहे हैं द पासिंग ट्रेन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया 19 किलोमीटर पर आर, तो ये हमारा 19 × 1000 / 3600 मीटर पर सेकंड, तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब जब मैंने अभी आपको बताया था जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि अगर ये इस तरीके से होना तो ये जो वैल्यू होती है वो हो जाती है सबट्रैक्ट। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारी क्या होगी, देखो इसकी वेलोसिटी हमने क्या ले ली, इसकी वेलोसिटी तो हमें निकाली दूसरी वाली ट्रेन की, तो वो हमने ले ली v, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ पासिंग ट्रेन, द वेलोसिटी ऑफ पासिंग ट्रेन रिलेटिव टू द क्या होगी इसकी, v माइनस ऑफ 25, इन ऑर्डर टू पास कम्प्लीटली द पासिंग ट्रेन हैज़ टू ट्रेवल फुल लेंथ, सो द पासिंग ट्रेन उसका देखो क्या बोल रखा है कि अगर वो कम्प्लीटली पास हो जाएगी इस तरीके से, तो उसकी कितनी लेंथ दे रखी है, 180 मीटर दे रखी है ना, विद अ वेलोसिटी ऑफ वी माइनस 25 मीटर इन 4 सेकेंड। मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वी माइनस 25, टाइम क्या है हमारा यहाँ पे 4 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारा, कितनी लंबी है हमारी ट्रेन, 180 मीटर, तो 180 इक्वल टू वी माइनस 25 इंटू 4 आ गया ये वाली टर्म। ठीक है, यहाँ से वी की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलर अगर पासिंग ट्रेन इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये वी होगी इधर 25, तो वी प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, और वही 180 इक्वल टू इंटू में 4, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हमारी वी की वैल्यू आ गई इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं लग रहा था, बिल्कुल ये वो वाली चीज़ थी जो हमें पहले से ऑलरेडी आते थे, वेलोसिटी टाइम के फॉर्मूले थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 8 था, आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ओके, बाकी के क्वेश्चन होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंसेप्ट करेंगे उससे रिलेटेड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।